हेलो फ्रेंड्स, कल का जो नंबर अगर आपको याद रहेगा तो वापस एक बार लिख देना। आज का जो स्पेशल नंबर है जिस पे हमें ध्यान देना है, जो फ्राइडे के लिए मार्केट में बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर साबित होने वाला है, 22,450 के नीचे अगर कल मार्केट जाता है तो मार्केट का बुलिशनेस कम हो जाएगा या मार्केट का बुलिशनेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है कि ये सिर्फ 22,450 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत से बार क्या होता है कि मार्केट जस्ट टच कर लेता है और जप करके ऊपर जाता है, तो इसके ऐसे टाइम पे ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एटलीस्ट देखना है कि 15 मिनट्स में रेड कैंडल फॉर्म हो रही है 22,450 के नीचे, प्रॉपर क्लोजिंग रेड में दिख रही है, तभी ही मार्केट का जो व्यू रहेगा वो बेरिश रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, वापस एक बार, 22,450 के नीचे अगर मार्केट रेड कैंडल में दिख गया तो बेरिश रहेगा। ये जस्ट एक व्यू है, आगे जाके देखेंगे कि कल क्या मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका दे सकता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कल का मार्केट, जैसे आज का मार्केट इंटरेस्टिंग रहने वाला था, कल का मार्केट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप एंड तक देखो। बट एट द मीन टाइम हमें क्या क्या दिखाना है, तो आज अगर आप देखोगे तो व्हाट्सअप स्टूडेंट्स कम्युनिटी में जो एनालिसिस किया था, ऑफकोर्स फॉर डेमो पर्पस, एजुकेशनल पर्पस, बहुत अच्छा चला। मॉर्निंग में ही निफ्टी के अच्छे खासे पुट और कॉल दोनों कैप्चर किए गए, बैंक निफ्टी भी सही चली, तो ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक डे। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आगे हम क्या करने वाले हैं, तो टॉप न्यूज़ कवर करने वाले हैं, निफ्टी कवर करने वाले हैं, बैंक निफ्टी कवर करने वाले हैं, और तीन और चार स्टॉक स्पेशली जो मैं बताने वाला हूँ आपकी ही फरमाइश से कि जस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और उससे भी इम्पॉर्टेंट, हमारा कहीं पे भी एक्टिव टेलीग्राम चैनल नहीं है और हमारे नाम से बहुत ज़्यादा टेलीग्राम में फ्रॉड हो रहे हैं, तो बहुत संभल के रहना। सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपको हमसे सीखना है तो ये नंबर याद रखना, वापस एक बार, 9152615121, ये MMT कोर्सेज का कस्टमर सपोर्ट नंबर है। कहीं पे भी मेरे शक्ल दिखने वाला या MMTC लिखा हुआ टेलीग्राम चैनल अब एक्टिव नहीं है और जो है वो सब फ्रॉड है, तो प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन होके किसी को पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए पैसे मत देना या किसी को प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए पैसे मत देना, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी अगर ज्वाइन करनी है तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बेसिकली ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है क्या, तो जो मैंने कस्टमर सपोर्ट का नंबर दिया है बेसिकली वहीं से आपको हम व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दे देते हैं। ऑफकोर्स आपको ट्रेड्स देखने हैं, जैसे आज हम लोग ने एनालिसिस किया था डेमो पर्पस के लिए, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो। अब कौन से तीन स्टॉक्स मैं एनालिसिस करने वाला हूं, तो यहां पे आप देखोगे गेल, कल्याण ज्वेलर्स और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, तो इंडो सोलर एम्स टू कंप्लीट ₹15,000 करोड़ इनगॉट टू मॉड्यूल यूनिट बाय 2024। चलो अच्छी न्यूज है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया है। डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज फर्म वेदांता थर्सडे सेड इट्स टोटल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन इंक्रीज्ड 4%। और आप देखोगे ना, सभी एल्यूमिनियम की कंपनीज, ये नेशनल एल्यूमिनियम देख लो या वेदांता का ये देख लो, बहुत बढ़िया काम कर रही है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। तो एल्यूमिनियम के स्टॉक्स वाले कंपनी अगर आपको ध्यान है तो देख लेना, अच्छी खासी मूव उसमें आपको दिखाई देगी। द पब्लिक इशू ऑफ भारतीय हेक्साकॉम रिसीव्ड अ गुड रिस्पॉन्स ऑन डे 2 ऑफ बिडिंग April 4, इन्वेस्टर पिक्ड अप 3.63 करोड़ शेयर्स और 0.822 times द इशू। फिलहाल 0.88, ऑफकोर्स डे 2 है, बट ये 2 या 3 times तो डेफिनेटली सब्सक्राइब होगा। तो ये जो IPO है, मेरे हिसाब से अगर 2 या 3 times भी सब्सक्राइब हो रहा है तो आपको सच में उसमें
एक बार तो देखना चाहिए कि फिलहाल मैं आईपीओ का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, पहले करता था, बट एक बार तो आपको देखना चाहिए कि क्या मैं इसमें अप्लाई करूँ कि नहीं। अब चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस। अब ये दिख तो रहा है सिंपल चार्ट, बट ये चार्ट में बहुत अच्छी स्टोरी छुपी हुई है, तो हम ये स्टोरी को पहले पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ये स्टोरी क्या बता रही है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसे पार्ट है जहाँ पे मार्केट का सपोर्ट है। फंटास्टिक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मार्केट ही मुझे दिखा रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि जब जब आप देखोगे ये जोन में मार्केट आ रहा है तो मार्केट ऊपर के तरफ जा रहा है, तो ये सपोर्ट है, यानी कि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। एट द सेम टाइम ये कुछ जोन है जहां पे मार्केट का रेजिस्टेंस है। अब क्या ये मैं अपने मन से बोल रहा हूं? नहीं, मैं चार्ट देख के बता रहा हूं, और बहुत सिंपल है। आप देखोगे जब भी इसके नजदीक जाता है नीचे आ जाता है, सेलिंग हो जाता है, नजदीक आता है नीचे बहुत ज्यादा आ जाता है, वापस नजदीक आ जाता है नीचे आ रहा है। अब क्या यही सिलसिला जारी रहेगा? हमको जस्ट यही पॉइंट पे डिस्कस करना है। तो एक तो हमें पता चला कि हम रेजिस्टेंस जोन के नजदीक है, तो दिक्कत होगी, और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ये ब्रेकआउट होके मार्केट ऊपर चला जाएगा। क्यों हम ऐसे ये कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सिंपल है कि फिर नया जोन आएगा जहां पे मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और वापस फिर कंसोलिडेट करेगा, और ये जो रैली है ये हम कैच करने के पीछे पड़े हैं। तो इतना तक तो जो भी अगर बिगनर्स है आपको समझ में आ रहा है, जिनको निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड तो बहुत करते हैं बट समझ में नहीं आता है कि ट्रेड क्यों करते हैं, तो ये एक कंसेप्ट है जिसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि हमें करना क्या है। अब ये जितना सिंपल ब्रेकआउट ब्रेकआउट ये चीज़ लगती है ना, इतनी सिंपल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक चीज़ है, जस्ट एक ऐसे लाइन ड्रॉ करके ये रेजिस्टेंस लाइन है, अब इसको तोड़ दिया तो ऊपर चला जाएगा मार्केट। इतना सिंपल अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता था तो सभी लोग पैसा कमा लेते थे मार्केट में, बट इतना सिंपल ये है नहीं। अब ये सिंपल क्यों नहीं है? तो बहुत इसका रीजन बहुत सिंपल है कि ये सिंपल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स छुपे हुए हैं जो बार बार जैसे ही बुल्स ऊपर आने का अटेम्प्ट करते हैं तो सेलिंग चालू करते हैं। अगर इसको आपको एग्जाम्पल देखना है तो यहाँ पे देखो, मैं कैंडल बड़ी करता हूँ और ये आवरली चार्ट है, तो थोड़ा सा ये देख लेना, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो, एक बार सेलिंग हो चुकी, राइट, मार्केट नीचे भी गया, फैंटास्टिक, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग बुल्स आ गए, फैंटास्टिक, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे वापस सेलर्स जो थे वो यहाँ पे आके मार्केट को नीचे धकेल दिया, तो ये छुपे हुए थे और वापस नीचे आ गए। अब सेकेंड चीज क्या हो गया? अब तो मार्केट ने अच्छा खासा नीचे का कंसोलिडेशन किया, राइट, अब नहीं जाना चाहिए था। वापस जब मार्केट इसके नजदीक आया, रेजिस्टेंस के नजदीक, वापस प्रूफ मिल गया कि अभी भी बेयर्स छुपे हुए हैं, अभी भी इन्होंने सेल आउट कर दिया। चलो यहां पे भी क्या हो गया कि एक चीज तो अब धीरे धीरे पता चलने लगी कि बेयर्स कमजोर हो रहे हैं। ये कैसे कमजोर हो रहे हैं पता चला कि, बट ऑब्वियस ये जो बड़ी कैंडल है ना, यहां पे देखो ये बड़े कैंडल की फॉलो ऑन मिल गई, बट यहां पे आप देखोगे तो इमीडिएटली उसके बाद में ग्रीन कैंडल आ गया और मार्केट ऊपर के तरफ चला गया। अब बेस्ट क्या होता आज के दिन में एक्सपायरी स्पेशल, कि स्ट्रेट अवे कुछ ऐसी कैंडल बनती और फटाफट मार्केट चला जाता ऊपर। ये कब होता? जब यहाँ पे कोई भी सेलर्स नहीं है, ये कंफर्मेशन मिल जाता, और इसके वजह से ही तो आप बायर्स स्ट्रेट अवे ऊपर जा रहे हैं, राइट। बट आज क्या हमें पता चला कि आज पता चला कि यार सुबह को भी पूरे सेलर्स जो है वो नहीं चले गए हैं, अभी भी आप देखोगे तो सेलर्स जिंदा है, ये परफेक्ट वर्ड है, सेलर्स जिंदा है, एंड
एट द सेम टाइम बायर्स भी जिंदा है, ये कैसे पता चला कि ये कैंडल जो सेलिंग हुई उसके बाद में इमीडिएटली बाइंग भी हुई? अब बहुत बहुत सिंपल है, मुझे एक आवरली में आप ग्रीन कैंडल दिखा दो, एक आवरली में मुझे आप ग्रीन कैंडल दिखा दो, कौन से लेवल के ऊपर? 22,000 कुछ इस तरीके से, 22,632 के ऊपर मुझे, के आसपास, चलो ऊपर भी नहीं के आसपास मुझे एक ऐसे प्रॉपरली ग्रीन कैंडल दिखा दो, और मैं आपको अगले दो कैंडल दिखा दूंगा लगभग लगभग 22,800 के आसपास। तो ये अगर आप कल फर्स्ट आवर ऑफ द मार्केट, या चलो फर्स्ट नहीं तो सेकेंड आवर ऑफ द मार्केट, बाद बाद में नहीं, उसका कुछ वैल्यू नहीं है, बट अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा 10:15 या 11:15 तक अगर मुझे कुछ ऐसा कैंडल दिख रहा है ना, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि अब वापस एक बढ़िया सी मूव कुछ इस तरीके से 200-300 पॉइंट्स की आ सकती है। तो कल के लिए हमारा ऊपर के डायरेक्शन के लिए गोल्डन नंबर कौन सा है? 22,632, 22,700 भी आएगा और 22,780 भी आएगा। नीचे के डायरेक्शन में कौन सा है? बहुत सिंपल है, 22,450, जहां पे पता चलता है कि सेलर्स छुपे थे, पावरफुल भी है और वो बुल्स को चीर के नीचे भी ला रहे हैं, इसके लिए 22,450 आ गया है। ओके, तो ये दो नंबर्स कल के लिए याद रखना, 632 के ऊपर ये वाले नंबर्स, 22,450 एटलीस्ट 15 मिनट्स रेड कैंडल, यहाँ पे एटलीस्ट 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल, बहुत ऊपर जाएगा या बहुत नीचे जाएगा, इसके बीच में यस आप ट्रेड कर सकते हो, बट मज़ा नहीं आएगा, ऊपर नीचे होते रहेगा। अब चलो ये तो बात हमें पता चली, अब हम बैंक निफ्टी में देखेंगे कि क्या कुछ सुपर चीज़ हो सकती है क्या। तो बैंक निफ्टी का तो अलग ही ये है, बैंक निफ्टी में एक एडवांटेज है, आप देखोगे ना ये पॉइंट के नीचे अगर, सॉरी ये पॉइंट के ऊपर 48,150 आवरली क्लोजिंग, 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग भी कुछ इस तरीके से दिख गई ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, 48,323 आ जाएगा। और नीचे के डायरेक्शन में अगर आप मुझे पूछोगे ना, तो नीचे के वैल्यूज भी बैंक निफ्टी के याद रखना, अगर 47,860 के नीचे अगर आ गया ना, तो 47,800 भी आएगा, 47,700 भी आएगा। तो ऊपर के वैल्यूज कब कौन से है? 48,150 के बाद स्ट्रेट अवे 150 पॉइंट बिना टेंशन के, या इससे भी ऊपर जाएगा, 47,860 के बाद स्ट्रेट अवे 47,800 एंड 47,700। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो अब देखते हैं क्या गेल हमें कुछ पैसा दिला सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि गेल वीकली चार्ट में कैसा है। तो यस, गेल में इतना बुरा नहीं है, गेल अच्छा खासा मीन्स अटेम्प्ट कर रहा है, बट एक डर ये है कि यहाँ पे अब गेल नॉन स्टॉप 200 के ऊपर जाना चाहिए, अगर गलती से भी वापस 189 टू 190 के चक्कर में अटक गया तो फिर ये कंसोलिडेशन लंबा चलेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो आपको अगर गेल लेना ही है तो एक्सपेक्ट करो कि आपका स्टॉप लॉस 163 तक होना चाहिए, और हो सकता है कि आप अगर यहाँ पे, तो मैंने कंसेप्ट बता दिया, बट समझो चलो 201 शॉट में नहीं चला गया, तो हो सकता है कि अगले एक या डेढ़ महीना आपको 163 के आसपास भी गेल नज़र आ सकता है, और उसके बाद में जो रैली जाएगी वो 200 या 220 या 200-250 तक जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि गेल बुलिश नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि गेल फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज में है, जिसका ब्रेकआउट इजीली होगा या टाइम लगेगा, बस यही चक्कर है। तो अगर फास्ट हो गया तो इमिडिएटली 230-240 आएगा, अगर नहीं तो डेढ़ दो महीना रुकना पड़ेगा।
163 तक मार्केट गेल आ सकता है और उसके बाद में एक बड़ी रैली दे सकता है। बट आप देखोगे सभी एलएनजी के स्टॉक्स, पेट्रोनेट एलएनजी होने दो, गेल होने दो, गुजरात गैस होने दो, अच्छे खासे ओवरऑल मोमेंटम ही है। तो मेरा एक मानना है कि यही रैली में अच्छे खासे ऊपर चले जाएंगे। ऑफकोर्स मैं कुछ रिकमेंडेशन बाय या सेल का नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है जस्ट आपको टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक आइडिया देना। तो क्या कल्याण ज्वेलर्स अच्छा चल सकता है? आप देखोगे ना ऑलरेडी कल्याण ज्वेलर इज डूइंग फंटास्टिक। ये सब गोल्ड मीन्स गोल्ड जो इतना बढ़िया वर्क कर रहा है उसका भी चमत्कार है। बट आप देखोगे तो धीरे धीरे कल्याण ज्वेलर्स का जो रैली है वो फिजल आउट होते जा रही है और ऑलरेडी एक अच्छा मूव आ चुका है। तो क्या मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये वापस अब अच्छा खासा मीन्स कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा। तो मैं कहूँगा हमने लेट कर दिया, और कुछ लेट किया तो हमें छोड़ना पड़ेगा, ध्यान कम देना पड़ेगा अननेसेसरीली कल्याण ज्वेलर्स के पीछे पड़ के। अब एक्सपेक्ट करना कि वापस एक बड़ी रैली आएगी, मुझे लग रहा है कि हम ज़्यादा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक्स के साथ, जो नहीं करना चाहिए। क्या आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर सही है? तो चार्ट्स पे तो सही दिख रहा है, कहाँ तक सही है तो 70 तक तो लग ही रहा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक में बुलिशनेस है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कंपनी में बुलिशनेस है। तो यस, मैं कहूँगा कि एक बढ़िया सा अप ट्रेंड में एटलीस्ट 70 तक तो या 69 तक तो जाना चाहिए, 63 का एंट्री। और मैं कहूँगा रफली कहाँ तक आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, तो आपको 57 तो भी स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और 70 के ऊपर गया तो और ऊपर जाएगा। बट तब का तब देख के पता चलेगा, ऐसे नहीं है कि हर एक स्टॉक बहुत फास्ट जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि ऑलरेडी एक सुपर रैली दे चुका है। तो क्या अब बायर्स में वो स्ट्रेंथ है कि नहीं, वो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये फेज़ में वैसे नहीं होता है, ये फेज़ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है। तो जब ये फेज़ से ऊपर आता है तो हम कह सकते हैं कि सुपर रैली आने वाली है। बट यहाँ पे फिर भी सोचना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 70 पे जाके वो अटक जाएगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल फ्राइडे है, फिर भी मार्केट एक्साइटिंग होने वाला है, तो बने रहना। थैंक्स अ लॉट, और कल वापस मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना।